अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज इंग्लिश का प्रश्न पत्र सोल्यूशन 2019। तो लीजिए दोस्तों, आप लोग के सोल्यूशन आ चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों द्वितीय सेमेस्टर सप्तम प्रश्न पत्र अंग्रेजी, तो शुरू करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों पहला प्रश्न आया था कि आर लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, तो इसका हिंदी दोस्तों क्या होता है, हिंदी में भी आपके लिए ट्रांसलेट करके लाए, के माध्यम से एक भाषा का अधिग्रहण किया जा सकता है। दोस्तों आप किसी भाषा कैसे सीख सकते हैं ये बोला गया है। एक स्पोज करके होता है दोस्तों रिपीटिशन, दोस्तों अगर कोई चीज आप बार बार दोहराएंगे तो क्या कोई भाषा सीख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, स्पोदर करने का मतलब होता है अनावीकरण और मोटिवेशन। तो दोस्तों देखिए, इसमें ऑल ऑफ अबव तो होगा ही, रिपीट रिपीट करना, एक्सपोज करना तो दोस्तों होता ही है, तो मोटिवेशन का तो जो भी हो, तो इसका आंसर हो सकता है ऑल ऑफ अबव। दूसरा क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों पिछले साल का रिपीट हुआ है, 2019 में सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसका हिंदी हो जाएगा दोस्तों बोलना और सीखना। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, दो उत्पादक कौशल क्या है। ठीक है, ये हिंदी में था तो हमने सोचा आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। फिर तीसरा क्वेश्चन, द एम ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज अ सेकंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, तो इसका हिंदी दोस्तों क्या होता है, पहले देखिए, दूसरी भाषा सिखाने का हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई दोस्तों आपको दूसरी भाषा सिखाते हैं, जैसे हिंदी आप बोलते हैं, अगर अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो इसका दोस्तों साफ साफ ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि टू फॉरगेट द मदर टंग, मतलब इसका हिंदी होता है कि आप अपनी मातृभाषा को आपको भूलना नहीं है। अगर दोस्तों आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको हिंदी भूल जाना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर आता है, व्हाट कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, क्या होगा दोस्तों इसका हिंदी, पहले आप देखिए, कैसी रचना विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोच प्रदान करती है, कौन सी रचना दोस्तों, पहला होता है राइटिंग कंपोजिशन, ओरल गाइडेड कंपोजिशन या फ्री कंपोजिशन। तो दोस्तों होना चाहिए आपका पहला आंसर इसका राइटिंग कंपोजिशन। तो दोस्तों अगर इसमें देखिए कुछ अगर आपके मतभेद हो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो आंसर डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं और फाइनल आंसर आपका पीएनपी अपने मन से ही मानता है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, पहले इसका हिंदी समझिए आपका, कविता पढ़ने का पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है ये समझिए। अगर आप कविता कोई आपको पढ़ा रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला दोस्तों विकल्प है एंजॉयमेंट, क्या आप मजे लेने के लिए पढ़ाते हैं, दूसरा है कंफ्रेंशन, तीसरा है अप्रिसिएशन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों देखिए अप्रिसिएशन ये तो बिल्कुल सही विकल्प है। तो दोस्तों आपका ये दो आंसर तो होगा ही, पहला सेकंड वाला कंफ्रेंशन और अप्रिसिएशन। तो अब बात आती है दो विकल्प तो कैसे से होंगे, एंजॉयमेंट, अब एंजॉयमेंट तो हो या ना हो, लेकिन दोस्तों फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, अप्रिसिएशन ये बिल्कुल सही आंसर है। कंप्रेशन दोस्तों आपके कुछ होते हैं बोधगम्य होता है, इसकी हिंदी होती है। तो ठीक है, तो पहले पांच आंसर आपने देख लिए दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए अब आपके मेन क्वेश्चन आते हैं जो आपका है ग्रामर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आया था, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, ऑल हिज फ्रेंड लाफ एट हिम, तो कैसे पैसिव वॉइस में हो जाएगा, हिम दोस्तों था ना, ये पहले आ जाएगा आपका ही हो जाएगा आगे ही, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो ही के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, ही वाज लाफ एल यू जी एच ई डी, ठीक है, ही वाज लाफ्ड, फिर लाफ के साथ दोस्तों एट हमेशा रहता है, लाफ्ड एट बाय, ठीक है बाय लगता है ना, फिर वही दोस्तों आप लिख देंगे ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, पहला आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका क्या था कि चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री, तो दोस्तों चलिए इसको हम आपको बता देते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, ये दोस्तों आपको फिलहाल कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है, इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री दे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, देखिए सुपरलेटिव डिग्री में दोस्तों हो जाएगा लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है सुपरलेटिव। अगर दोस्तों पॉजिटिव में पूछा जाता तो क्या होता, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड, ठीक है दोस्तों पॉजिटिव और सुपरलेटिव दोनों में हमने आपको बता दिया। तो अगर आपका सुपरलेटिव पूछा गया था फिलहाल ये, तो आपको आंसर क्या करना था, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, बस इतना करना था, तो इसको आपको एक अंक पूरे मिल जाते। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आया था आपका, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, देयर हैज नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर, तो दोस्तों इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, बस सफिशियंट, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सफिशियंट, ठीक है खाली इतना ही लिखना था, एसयू डबल एफ आई सी आई ई एन टी, ठीक है ना, ये आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न आपका था दोस्तों, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, इसका क्या आंसर होगा,
तो दोस्तों इसका आंसर होगा पॉलीग्लॉट, ठीक है, बहुभाषी। तो मतलब इसका हिंदी ये था कि वन हु नोस मैनी लैंग्वेज, जो बहुत ही भाषाओं को जानता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बहुभाषी, हिंदी में बोलेंगे बहुभाषी और अंग्रेजी में पॉलीग्लॉट, ठीक है। ये आंसर आपको करना था, जिन बच्चों ने किया होगा भाई एक नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी था अगर आपने देखा होगा तो ना। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई विल सी यू, यहाँ दोस्तों टाइम लिख के आया कि 4:15 पर शाम दोपहर में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना था, ऐड कर देना था बस, क्या करना था दोस्तों आपको, ऐड लिख देना था। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या आया था आपका कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, बस हैड आ जाता है ना, ये करना था और क्या, यू वर स्पीकिंग टू समवन, तो यू हैड कर देंगे दोस्तों वर की जगह बस, और स्पीकिंग का थर्ड फॉर्म कर देंगे, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, SPOKEN, स्पोकन, ठीक है, बस इतना करना था, टू समवन, यू हैड स्पोकन टू समवन, ये करना था, हो गया इतने क्वेश्चन आपके, 11 नंबर आपको मिल गए। फिर अब 12वां क्वेश्चन दोस्तों आ गया आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए कितना आसान क्वेश्चन और 2 नंबर आपको देके गया, बस इसमें दोस्तों आप विल को पहले ले आते हैं, इंट्रोगेटिव बदलना, विल ही, फिर वही दोस्तों जो लिखा है नेवर एवर लिखा, लास्ट में आ गया एक क्वेश्चन मार्क, जिन बच्चों ने क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगाया होगा तो उनके भी अंक कटेंगे, अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको हमको करेक्ट करना है, पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर स्टडी, बस यहाँ पर अबाउट हटा दीजिए, वी डिस्कस्ड द मैटर स्टडी, ठीक है, अबाउट यहाँ पर नहीं रहेगा, इसको कट्टम कट्टम करना है, हटा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो दोस्तों ये एक काम कर दीजिए, जॉन इज टायर्ड टू कर दीजिए यहाँ पर, टू डू दिस वर्क, जॉन इज टायर्ड टू डू दिस वर्क, ठीक है ना, इतना कर देते तब भी आपको सही आंसर मिलता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन द एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल, तो देख लीजिए दोस्तों एडजेक्टिव की परिभाषा और एग्जाम्पल, तो दोस्तों आपके एडजेक्टिव की परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे कि एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स आर प्रोनाउन्स, बस ये आपकी परिभाषा हो गई। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे रेड, क्विक, हैप्पी, ये सब दोस्तों हो गए आपके एडजेक्टिव के एग्जाम्पल। दोस्तों देखिए कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे दोस्तों आर रेड हैट, ठीक है, ये दोस्तों आपका डिफाइन कर रहा द क्विक रैबिट, अ हैप्पी डक, तो ये दोस्तों एडजेक्टिव की परिभाषा हो गई, ये तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा, फ्री के नंबर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है 15 नंबर, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये दोस्तों पहला हो जाएगा बिलीव हो जाएगा, और दोस्तों दूसरा आपका क्या हो जाएगा, SRK, स्ट्राइक, दोस्तों बहुत आप लोग हड़ताल करते हैं, आप लोग को पता होगा STRIKE, जी हाँ दोस्तों, पहले का आंसर होगा आपका बिलीव, बिलीव माने होता भरोसा विश्वास, और दूसरा आंसर दोस्तों स्ट्राइक, तो आई थिंक जिस बच्चे ने हमें ये पेपर दिया है वो कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं भरा है। तो दोस्तों ये आसान क्वेश्चन था स्ट्राइक, लेकिन सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट लगा यार, SRK, शाहरुख खान की याद आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर, क्या पूछा गया था पेपर में कि राइट अ लेटर टू फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, तो दोस्तों ये सब तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन था, 2 नंबर आपके फ्री के मिले, यहाँ पर आपको नॉर्मल एक लेटर लिख देना था, ये क्वेश्चन आपका फ्री का है, आप कमेंट करेंगे तो इसका भी आंसर दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, तो दोस्तों पहला हो जाएगा ही सेड डेट आई, दोस्तों आई आई है आपका ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, डेट के बाद ही आ जाएगा, ही वाज हो जाएगा दोस्तों ना, ही वाज हंग्री, ठीक है, बस ये होगा पहले आंसर। दूसरा तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, राजू सेड, सेड के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, डेट आ जाएगा, राजू सेड डेट, रमेश हैज बीन की जगह दोस्तों हो जाएगा आपका, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हैज बीन का, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा हैज बीन का आपका हैड बीन, ठीक हैड बीन, बस हो गया क्वेश्चन दोस्तों खत्म। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका दोस्तों, राइट 4 सेंटेंसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, दोनों इन दोनों में आपको 4 सेंटेंस लिखना था, द वैल्यू ऑफ हेल्थ पहला था, दूसरा था पॉल्यूशन, मतलब वही गंदगी, पॉल्यूशन वही पर्यावरण नहीं हो गया, तो दोस्तों पॉल्यूशन की हिंदी आपकी थी प्रदूषण, ठीक है, इन्वायरमेंट होता है वो, ठीक है ना, तो पॉल्यूशन की मतलब हिंदी होती है आपकी प्रदूषण के बारे में दोस्तों आपको लिखना था, द वैल्यू ऑफ हेल्थ, आप स्वस्थ रहेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये टॉपिक आपको डिफाइन करना था दोस्तों। चलिए आज के सारे क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका पेपर काफी अच्छा गया होगा, तो चलिए आपको जो ये आज की ग्रामर आई थी वो काफी आसान आई थी दोस्तों, पिछले सालों के मुकाबले भी सबसे आसान पेपर दोस्तों आज इंग्लिश का पेपर आपका पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग के अच्छे नंबर आएंगे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका पेपर कितना भी खराब गया होगा दोस्तों तो आपको बता देते हैं, 2 नंबर आपका फ्री का 18 नंबर में मिल जाएगा, कुछ भी लिखकर आए होंगे आप लोग दोस्तों, 2 नंबर 16 नंबर में मिल जाएगा, कुछ भी लिखकर आए होंगे, और 2 नंबर एडजेक्टिव थोड़ा बहुत लिखे होंगे, तो 6 नंबर दोस्तों आपके यहाँ फ्री के बनते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खाली अपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया होगा चिन्ह, तो 1 नंबर देगा एग्जाम्पल, और आगे बिल लगाया वरना लगाओ,
तो मतलब 6-7 नंबर दोस्तों आपके यहाँ बन जाते हैं और आपको 12 नंबर पासिंग चाहिए होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस बार आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे और कंप्लीट द स्पेलिंग वर्ड्स में स्ट्राइक और बिलीव बहुत अच्छे से भरा होगा, तो 2 नंबर यहाँ। तो मतलब दोस्तों इस बार आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं, कि भाई ज्यादा अच्छे तो नहीं आ रहे, तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं और बताएंगे। तो मैथ का दोस्तों सोल्यूशन पेपर नीचे कमेंट बॉक्स में, तो अगर दोस्तों आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लगता है कि आंसर कुछ चेंज होना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम बहुत जल्द करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो तुरंत बनाई गई है, अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। पेपर आज से खत्म हो रहे हैं तो आप एंजॉय करना है, लेकिन यूपी टेट की तैयारी और सीटेट की तैयारी करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।